प्रयासों के बीच आज कांग्रेस के नेता नवजोत सिंह सिद्धू ने पार्टी की महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा से मुलाकात की। पंजाब कांग्रेस में चल रहे सियासी घमासान के बीच ये मुलाकात काफ़ी अहम मानी जा सकती है। नवजोत सिंह सिद्धू मंगलवार को पटियाला से दिल्ली के लिए रवाना हुए थे। उनके दिल्ली दौरे से पहले उनके ऑफिस के द्वारा ये जानकारी साझा की गई थी कि सिद्धू दिल्ली में राहुल गांधी और प्रियंका गांधी से मुलाकात करेंगे। हालांकि मंगलवार को पूरे दिन के इंतज़ार के बाद भी नवजोत सिंह सिद्धू की ना ही प्रियंका गांधी से कोई मुलाकात हो पाई और ना ही राहुल गांधी से। हालांकि आज सुबह नवजोत सिंह सिद्धू ने ट्विटर पर प्रियंका गांधी के साथ में एक तस्वीर साझा करते हुए जानकारी दी कि उनकी प्रियंका गांधी से एक लंबी बैठक चली है। आपको बता दें कि नवजोत सिंह सिद्धू ने काफ़ी लंबे समय से पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह के खिलाफ मोर्चा खोला हुआ है। इसी बीच कांग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधी ने एक 3 मेंबर पैनल का गठन करके इस पूरे मसले को सुलझाने की भी कोशिश की थी। 3 मेंबर पैनल की तरफ से एक रिपोर्ट कांग्रेस अध्यक्षा को सबमिट कर दी गई है, लेकिन इस पर अभी तक कोई भी फाइनल सॉल्यूशन नहीं निकल पाया है। इससे पहले पिछले हफ्ते पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह भी दिल्ली दौरे पर थे। हालांकि कैप्टन की भी गांधी परिवार में से किसी से भी मुलाकात नहीं हो पाई। कैप्टन ने 3 मेंबर पैनल के सामने अपना पक्ष रखा। उन्होंने ये उनको आश्वासन दिया कि विधायकों की तरफ से जो भी कुछ नाराज़गी पंजाब सरकार के खिलाफ है उस पर जल्द से जल्द कोई कार्यवाही की जाएगी। अब देखना ये होगा कि क्या अगले साल असेंबली इलेक्शन से पहले पहले कांग्रेस अपने ये अंतर कलह सुलझा पाएगी या नहीं। मैं न्यामिका सिंह दिल्ली से ETV भारत के लिए।